स्टेशन है यहाँ का एरिया, ये देखो भाई तिरुमल। भाई हमारी बुकिंग है नेक्स्ट डे की 12 बजे की होटल की, तो अभी हमें होटल लेनी पड़ी। भाई अंकल से मेरे अंकल से समथिंग अंकल भाई बहुत नींद में भाई, अब फटाफट भाई हम लोगों की बुकिंग है भाई 12 बजे की, और अभी हम लोगों को सोने के लिए होटल लेनी पड़ी क्योंकि मिल नहीं रही थी भाई यहाँ बहुत होटलों का वो है, और ये भी अभी 2 दिन पहले ओपन हुई है। तो चलते हैं भाई, अभी सोते हैं, सुबह करते हैं भाई। भाई तो हम आ चुके, देखो कॉपीराइट नहीं आ सकता, मेरा ही व्लॉग चल रही है। लुक और भाई यहाँ ऐसे रूम होते हैं, देखो एक रूम तो ले लो अभी चाचा। भाई भाई बहुत स्लो है, देखो भाई अब तो कोई कॉपीराइट की लाइन नहीं है टोटल, तो पता है ना, अभी अब 12 बजे जाएंगे भाई, बहुत मुश्किल से जो मिल गया भाई। और यहाँ भाई एसी रूम रहते हैं, इतने बड़े बड़े बेड रहते हैं ये लोग, और ये होटल अभी 2 दिन पहले खुली। अभी रिवील निकलना है तुम यार, भैया गाड़ी का कलर नहीं बोला, वो तो कलर छा कलर रैप करा लूंगा, चेंज नहीं करूंगा कलर, नहीं बताऊंगा अगर तुम लोगों को। भैया भैया एसी नहीं चल रहा यार, 2 दिन पुरानी होटल है, एसी नया करना है। भैया को थंबनेल में डाल देना, नी 40,000 व्यूज आया डाल दो, ऐसे कर लूंगा। भैया इंदौर जाओ, इंदौर से स्टोरी भाई, शिवम भाई स्टोर है, वो कपड़े लो और भाई और सामान लेना हो, दारू भी लेना हो तो भाई बिल्कुल टोटल लोड जो चाहिए एड्रेस दे देंगे। माफिया शिवम शिवा ने, देखो भाई भाई बाल बाहर से कराए हैं, ये देखो ये देखो बाहर वो, और तुम्हें कराना था और अब तिरुपति की याद आ रही है, सारे पाप धोने पहले वहाँ गए और पाप धोने यहाँ, ये देखो बट बोलेंगे थोड़ी ना निशब्द The next morning. Good morning guys, भाई सुबह हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, अभी जस्ट ब्रेड ब्रश किया है और अपनी होटल भी चेंज करनी है, तो अभी फिलहाल में भाई सब यहाँ खड़े हुए हैं भूखे, सबको लग रही है भूख बहुत ज़्यादा थे, तो भाई हम लोगों ने कुछ खाया नहीं। भैया तबीयत कैसी है आपकी? देखो भाई सबकी हालत कैसी हो रही है, अभी हम लोग जब होटल जाके नहाएंगे फिर हम अच्छे देखेंगे, अभी तो हमें इसे दिखा। और यहाँ भाई स्पेशल हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग भूखे मरते हैं जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा, इडली खाने, साउथ इंडियन। और भाई बहुत भाई साउथ में आके साउथ का खाना, चलो चलो भाई हम निकल चुके हैं, ये यहाँ की गलियाँ हैं भाई, यहाँ भाई जो धूप है ना वो बिल्कुल ऐसा है कि आप दो रोटी सेक दोगे भाई, इतनी तेज़ी दो अंकल माथा सेक में, धीरे धीरे आ रहे हैं भाई सब। कैसी लग रही है गर्मी आपको भाई? भैया यहाँ बस अब इडली सांभर का इंतज़ार नहीं हो रहा, हालांकि वैसे तो अब शायद मिलना वो हो जाता है, एक बार मिल जाएगा भाई, मज़ा आता भाई खाने में। हर गाड़ियों में ऐसा लिखा रहता है क्या? क्या हाँ जनरेटर अलग अलग तरीके, इतना बड़ा जनरेटर भाई, यहाँ किसी ने कोई बिजनेस किया नहीं, किया होटल का बिजनेस दबा कर किया लोगों ने, होटल ही होटल, होटल ही होटल, हर 10 मीटर पर होटल। और भाई तिरुपति में आते से ही लोग ये लिख लेते हैं पंजाबी ढाबा, पंजाबी ढाबा, क्योंकि ये एक ही फेमस पंजाबी ढाबा है जो कि यहाँ नहीं है भाई, बाहर है भाई, वो उसको भी एड्रेस में देखता हूँ। और भाई वॉकिंग डिस्टेंस पे सबसे बेस्ट जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ये सामने स्टेशन है इसके पीछे, ये सामने मंदिर, और ये कैफे तिरुपति भाई, यहाँ जरूर आना भाई, मज़ेदार चीज़ है भाई, मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं भाई। ब्रेकफास्ट 11 बजे तक ही मिलता है भाई यहाँ, अब यहाँ सीन कुछ ऐसा है कि एक बार हम लोग जो जब यहाँ ख़त्म हो जाता है तो हम ये सामने खाते हैं, और हम लोग जा रहे हैं वहाँ, यहाँ पूरा आइटम नहीं है तो भाई पूरा डोसा होगा खाने में, मज़ा आता है भाई, यहाँ इडली वड़ा भी चलता है। यही हम लोगों की होटल है जो हम लोगों चेंज भी करने की, कभी उसी का रेस्टोरेंट, और लास्ट टाइम अगर आपने तिरुपति जो लॉस सीरीज देखी हो तो यहाँ यहीं किया था, तो भाई करते हैं ब्रेकफास्ट भाई। डोसा देखो बाकायदा पत्ते में सांभर चटनी, एक नंबर घी मसाला, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा एक नंबर। हाँ भाई भाई सबको भूख है भाई, भाई आते हैं यहाँ, आते हैं यहाँ, सब ब्रेकफास्ट चल रहा है भाई, यहाँ के बड़े जैसे बड़े नहीं मसाला लो, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली भाई हम आ चुके हैं हमारी होटल में, ये रूम टूर आप ले सकते हो बड़ी भाई, ये यहाँ की बिल्कुल स्टेशन के जस्ट सामने बहुत प्यारी होटल है तुम्हारा भाई, चहलका मचा देंगे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, यहाँ वेट की होगी थोड़ी सी एडिटिंग,
और भाई अब ऐसा है कि हम लोगों के दर्शन है 4 बजे के और हम लोगों की टिकट है 4 बजे की, तो भाई 4 बजे जाएंगे हम लोग तिरुपति में, तिरुमला ऊपर है ना, तिरुमला ऊपर होता है ना, हाँ तिरुमला ऊपर है, तो यहाँ से करीबन 1 घंटा लगता है जाने का, यूँ 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 गोल गोल राउंड होता है, तो हम लोग जाएंगे बस दर्शन के लिए नहा धोकर। भाई परसों रात से ये कपड़े वियर कर रखे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है नहाने के बाद 5-10 किलो कम हो जाएगा, तो तो भाई मस्त सब करेंगे चेंज वेंज और नहेंगे मस्त भाई, और फिर निकलना है। इसके बाद हम लोगों की रात नहीं, कल सुबह की ट्रेन है 11 बजे की और वहाँ से हम पहुँचेंगे रामेश्वरम रात में 3 बजे और फिर आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं और नहाते हैं। भाई हमारा बड़ा भाई को प्रेशर नहीं बन गया था तो हम चाय पीने आ रहे हैं। हमने दो लोग पहले देखा था ना इनका, कैसे वॉशरूम में से आवाज लगा रहे थे, क्या कह रहे थे ये भाई। अभी आ रही है चाय, इनका थोड़ा परेशान आ रही है ना, नहीं चाय अभी देर में फोन पिएगा भाई, अभी चलते कितना चाय आती है ऐसे डालते हैं भाई, ये देखो इसमें डालते हैं और पीते, पर अपन तो भाई अपन भोपाली है तो परीक्षा लग जाती है यहाँ क्या मेरी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग, मेरे दिमाग तो है ना भेजा साट कर दिया इनने, चाय नहीं पिल पा रहा है जैसे देखो मुझे खर्चा मिली है, चाय इनसे इनने मना कर दी मेरे को कि चाय नहीं, फिर से हम आया वापस बोल के चाय पी जा रही था यहाँ का दोबारा ढूंढते ढूंढते मैंने बोला नमक वाली चाय पी कर आऊँगा, पर क्या भाई फिर सबने बोला, मैंने सोचा भाई अपन तो यहाँ यहाँ चाय का तो शब्द ही नहीं है कोई, हाँ समझाओ यार कहाँ भोपाली भोपाली देखा थोड़ा करो मोहब्बत मोहब्बत का शरबत डालो कोई, एक आज राजू टी स्टॉल लेकर आओ यहाँ। ये वीडियो कॉल तो बाथरूम में क्या कर रहे हैं गाइस, ये देखो छुपा लिया भैया चाय अब नहीं पियेंगे, अब तो हमारा तो प्रेशर बन जाएगा, इनका नहीं बनेगा चाय नहीं पिया भैया, भैया आई नहीं आई, अरे बताओ ना भाई सब ऐसे परेशान है, अरे भाई सब ऐसे हैरान परेशान है ना कि बस मत पूछो, ये देखो वो अभी आ रहा है रिसेप्शन से आने वाला है, बोल भाई साहब चुप कर जाओ भाई साहब, ये शेर कौन है, शेर है क्या, मसला ही होगा बाहर इतना गर्मी अंदर ठंडा, एकदम दिमाग घूम घूम हो रहा है तो चिल्लाने का मन कर रहा, तो हम चिल्ला रहा। तो भाई फाइनली हम लोग दोनों हो चुके हैं रेडी और मस्त अभी निकलेंगे, मस्त करेंगे दर्शन और फटाफट भाई हम लोग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लेट तो निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों के 4 बजे के दर्शन हैं और हमें 1 घंटा पहुंचने में लगेगा, 2 अभी बच चुके हैं, तो चलते हैं। तो भाई अब हम लोग निकल रहे हैं फाइनली, होटल छोड़ रहे हैं और यहाँ से टैक्सी भी चलती हैं, बस चलती हैं, बस फुल एसी चलती है और बहुत लास्ट टाइम आपने देखा होगा तो बहुत कंफर्टेबल रहती है ज़्यादा लोगों के लिए और आराम से बैठ के जा सकते हैं, वो आगे मिल जाएंगे, अरे आगे मिल जाएंगे, तो बस चलते हैं सामने, जस्ट सामने से बस मिल जाएगी, वो रेलवे स्टेशन दिख रहा है ये सामने हम लोग की होटल, सबसे बेस्ट कभी तिरुपति आओ इस एरिया में सबसे बेस्ट यही होटल है, इसके अलावा कहीं मत भटकना, कहीं मत परेशान होना, उससे बेकार जैसे रूम मिलेंगे ना कि बोलोगे क्या है, तो अभी बेस्ट ये है, यहाँ से मस्त सामने सब कुछ मिलता है, सामने बस स्टैंड है, दुनिया की चीज़ है, तो ये भाई ये दोनों आ ही रहे हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं, तो चल भाई एक नंबर, तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, एक नंबर समझ लेना, ध्यान ही रखना शे। चल होटल के सामने आ चुकी है बस, इस टाइप की होती है बस, फुल ऑन एसी होती है और भाई बहुत सही रहती है ये, ऐसे अलग ही रहती हैं, हर 2-2, 5-5 मिनट निकलती है, देखो सबसे आगे वो है तो हम लोग सबसे पहले उसमें जाएंगे और बैठेंगे, और भाई सबसे कन्वीनियंट वे रहता है कि आप इसमें आराम से जाओ और ऊपर जा सकते हो आप तिरुमला में, अभी अपन है तिरुपति में, तो चलते हैं तिरुमला और करते हैं दर्शन, पहले ये लोग बाल देंगे। Oh,
ये होती है चेक पॉइंट, यहाँ होता है सब चेकिंग जैसे कि देख सकते हो, चेक होंगे उसके बाद ही हम बस में बैठ पाए। पहले चेक कराएंगे भैया, कोई भी बस होगी, कोई भी गाड़ी होगी भाई यहाँ रुकेगी चेक पॉइंट पर। ये देख सकते हो आप, जैसे सारी बसें रुकी हैं, सारी चेकिंग होगी, ये होगी, उसके बाद ही अपन बस में बैठ के यहाँ से आधे घंटे की चढ़ाई चढ़ के मंदिर पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। मतलब पहले जीटू डाल देंगे तेल का, तेल का। ये है कल्याण घट्टा, इसमें जाएंगे और जैसे कि जो लोग पूरे बाल देते हैं, जैसे लड़के लड़कियां सब देते हैं, और कुछ लोग देना चाहें तो पीछे से एक वो लेते हैं, थोड़ा सा कट कर देते हैं, तो भाई ऐसा कुछ होता है, वीडियो से दिखाता हूँ। ये देखो वर्ल्ड वॉय आ चुके हैं बिल्कुल आज। कितना जोरदार लग रहा है खरगोश, तो भाई फाइनली हम लोग अब करेंगे दर्शन। ये मेन गेट से एंटर हो रहे हैं, जूते चप्पल मोबाइल हम लोगों सब यहीं रखना पड़ेगा, और भाई अभी हम थोड़ी सी आगे जाके व्लॉग कर देंगे बंद, और क्योंकि अंदर तो भाई हो नहीं पाता कुछ, तो व्लॉग फ़ोन रखते हैं और उसके बाद जैसे ही आएंगे दर्शन करके आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कैसा रहा, कैसा क्या रहा। और ये आप देख ही सकते हो VIP एरिया का गेट, स्पेशल एंट्री, तो यहाँ से चलते हैं और करते हैं दर्शन। जैसे कि आप ये लाइन देख सकते हो बिल्कुल, ये जो खुदी के जो दर्शन होते हैं तो वो वाली लाइन है, और ये बहुत इमरजेंसी एग्जिट। और अंदर भाई ऐसा रहता है कि हर थोड़े थोड़े टाइम में पानी पीने के लिए फ़िल्टर और वॉशरूम रहते हैं, तो इतनी लंबी लाइन। अब जैसे कि दर्शन होते हैं, अभी तो खैर 2-3 घंटे में हो जाएंगे, वरना लोग बाग के जो दर्शन होते हैं फ्री वाले 10-10, 15-15, 20-20 घंटे, कुछ लोग 24 घंटे, रश तो ज़्यादा हो 48 घंटे, तो भाई कोई टाइम की लिमिट नहीं है यहाँ। और देख ही सकते हो आप, ये तो ऐसा कुछ सीन है भाई, ये 2 लेन बना के रखी हैं यहाँ, ऐसे ही अंदर लेन बनी हुई है, और पूरा यहाँ अगर मतलब ये जैसे कि नंगे पैर ये चल रहे हैं उनको वो नहीं, और अंदर भाई जैसे जो लड्डू प्रसाद के लिए वो रहता है, इतने बड़े लड्डू मिलते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, और इतना बड़ा शोरूम टाइप रहता है भाई, 3 फ्लोर सिर्फ प्रसाद के लिए, 3 फ्लोर की बिल्डिंग रहती है भाई, अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, ऐसे एयरपोर्ट्स में नहीं रहते वैसा। भाई गैलरी देखो भाई कितनी प्यारी है, ये देखो यार, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा वॉशरूम है, पानी पीने के लिए देखो ये लाइन चल रही है, बस अभी तक फोन रहा नहीं, बस जब तक नहीं रहेगा जब तक तो करते हैं ब्लॉगिंग, देख सकते हो आप भैया यहाँ रख रहे हैं मोबाइल, ये देख सकते हो कंप्यूटर। तो भाई फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए हैं अराउंड करीबन 5-6 घंटे बाद, और देख सकते हो भाई भाई कैसा लग रहा है भाई, सबको ये बताओ भाई, इतना मज़ा आ गया, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, सारी थकान सब कुछ दूर हो गया। क्या कहना चाहोगे आप, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थोड़ा जल्दी बोलो यार, ट्रेन निकल जाएगी आज रात। आप बताओ, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गोविंदा भाई, बहुत मज़ा आया भाई, मतलब भाई बहुत लेट हो गए थे इस बार, पहली बार थोड़ा सा इतना लेट दर्शन हुए, और जैसे कि ये देख सकते हो मंदिर के बैक का, और भाई हम लोग ये जो लड्डू मिलते हैं प्रसाद के, ये आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, 50 रुपये का एक लड्डू है, वरना टिकट पर एक लड्डू फ्री है। और भाई बहुत लाइफ में मज़ा आ गया भाई, मतलब इतना सही एक्सपीरियंस है ना भाई, मैं क्या बताऊं भाई, सारी थकावट सब कुछ दूर हो जाता है, और भाई इतनी पॉजिटिव वाइब आती है ना, कुछ नहीं दिखता उस टाइम में, कुछ भी नहीं दिखता। और यहाँ मंदिर में इतनी अच्छी सेवा है भाई, मतलब वॉशरूम है पल पल पे, पानी पीने के लिए वो है, हर 1 घंटे में आप लोगों के पास खिचड़ी आएगी, उपमा आएगा, अलग अलग तरीके की चीज़ें आती रहेंगी, जितना आप बैठे रहोगे, 1 नंबर सेवा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आना है भाई, बहुत पॉजिटिव वाइब है भाई। अब यहाँ हम लोग फाइनली यहाँ हम लोग चाय पियेंगे, और पानी जस्ट अभी आई है,
तो ऐसा कुछ सीन है भाई। और ये यहाँ का मार्केट है जैसा कि देख सकते हो आप, बहुत अभी मज़ा आ गया। अब मैं आपको थोड़ी सी देर में बात करता हूँ।